अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना कठिन होती है, परंतु उससे अधिक कठिन होता है अपने कर्तव्य के लिए साधना को छोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पहेली है। हम सब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा से पार जाकर परिश्रम करते हैं, और कभी कभी लक्ष्य सामने होने पर भी हमारे समक्ष विकल्प आ जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करें या कर्तव्य निभाएं। और चूंकि मनुष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्बल होता है, तो वो कर्तव्य से पलायन कर जाता है। तनिक सोचिए, बिना कर्तव्य के लक्ष्य पाना क्या आपको आनंदित करेगा? नहीं ना, क्योंकि कभी ना कभी लक्ष्य आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप कर्तव्य निभाने में सक्षम हैं या नहीं। लक्ष्य आपको तभी चुनेगा जब आप कर्तव्य को चुनेंगे। उस दिग्विजय कर्ण को दिशा विहीन कर दूंगा, महाशाप दिलाऊंगा उसे, और महाशाप पाने के लिए उस कर्ण से महापाप करवाऊंगा। तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें भी अपनी माँ का दूध पान करने का अवसर मिलेगा। क्या है श्यामा, इतना भयभीत क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपना मंतव्य ज्ञात है ना? लगता है तुम्हें भूख लगी है। अभी मैं तुम्हारे लिए चारा लेके आता हूं, ठीक है? लक्ष्य कड़ी तपस्या से नहीं, कड़ी परीक्षा से मिलता है अर्जुन।
गौरांग, गौरांग! क्या हुआ स्वामी? गौरांग को यही बांध के गया था, तू नजारे कहाँ चला गया? गौरांग कहाँ गया? गौरांग, अगर वो नहीं मिली तो श्यामा अपने प्राण त्याग देगी, और आप तो जानते ही हैं स्वामी कि श्यामा हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हे प्रभु, अनजाने में कौन सा ऐसा कर्म हो गया जिसका फल आप मुझे इस तरह दे रहे हैं? तुम्हारे पाप का फल नहीं है ये ब्राह्मण, ये तो केवल कर्ण के महाश्राप का प्रारंभ है। क्या हुआ ब्राह्मण देव, आप सब इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे गाय श्यामा के बछड़े को ना जाने कौन चोर चुरा के ले गया। अगर मेरा गौरांग नहीं मिला तो ये बेचारी छटपटा कर अपने प्राण त्याग देगी। आप मेरी कोई सहायता करिए। आप निराश ना हो ब्राह्मण देव, मैं समय रहते इस गाय के बछड़े को वापस ले आऊंगा, सुरक्षित, ये मेरा वचन है। हे तपस्वी, अपने तेज के प्रयोग से इस भयंकर प्राणी से हमें त्राण दिलाओ। क्यों ये हमारे लिए अपने वर्षों की तपस्या भंग करेंगे? भागो, अब कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, भागो। नहीं, एक क्षत्रिय के लिए किसी की रक्षा करना किसी भी तपस्या से अधिक आवश्यक। मैं वचन देता हूं, इस हिंसक पशु से मैं आपकी रक्षा करूंगा। तपस्या भंग हो जाए परंतु कौंतीय का क्षत्रिय धर्म भंग नहीं होगा। मत हो छोटे मित्र, क्या हुआ, तुमने कुछ देखा? एक बछड़ा राक्षस के हाथ में। किस ओर गया वो, किस दिशा में? जाओ कर्ण, जाओ अपने विनाश की ओर जाओ। क्षमा कीजिए महादेव, आपकी तपस्या बीच में छोड़कर जा रहा, तपस्या पुनः कर लूंगा, परंतु मेरे होते हुए किसी निर्दोष के प्राण जाएं, ये द्रोण शिष्य कुंते अर्जुन नहीं होने दे सकता। अपने उत्तरदायित्व का भान तो है इसे, अब देखना यह है कि शक्ति को संभाल पाने का सामर्थ्य है या नहीं।
ये दूसरा बाण किसका है? ये बाण मेरा है। आनंद आ गया आज, बड़ा कोमल भोजन मिला है। सावधान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस बछड़े को छोड़ दो। अपना भोजन छोड़ दूं? तुम्हारे लिए यह केवल एक समय का भोजन है, परंतु किसी और के लिए यह जीवन जीने का सहारा है। इसकी मां के प्राण बसे हैं इसमें। इस निरअपराध पशु को छोड़ दो। ये मेरा भोजन है, नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भरपेट भोजन करवाऊंगा। बड़े दानवीर हो, परंतु मैं राक्षस हूं, बल से अपना खेत करता हूं, नहीं छोड़ूंगा इसे। और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तो तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा, मनुष्य। ये लक्ष्य मेरा था, तुमने बाण क्यों चलाया? इसका नाश करना मेरा कर्तव्य था। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य किसने पहले भेदा और किसका कर्तव्य पहले पूरा हो? इसका वध तो मेरे बाण ने किया, परंतु आप इसे ले जा सकते हैं महोदय। ये मेरे किसी काम का नहीं। मूर्ख, माना कि मैं किरात हूं, मगर मैं अपने परिश्रम से अपना अखेट करता हूं। मैं किसी की भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। इसे तो मैं अवश्य लेके जाऊंगा, परंतु इसे ले जाने से पहले मैं ये अवश्य सिद्ध करूंगा इसे मैंने मारा है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या सिद्ध करना चाहते हो? मुझे इससे कोई लाभ नहीं, ले जाओ इसे। रुको, बिना यह निर्णय किए कि मेरे बाण तुम्हारे बाणों से अधिक तीव्र और अधिक तीक्ष्ण है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा यह अभिमान तोड़े बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रहे हो। एक बाण काट दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें विजय मिली। मेरे पास बाणों की कमी नहीं। मेरे पास भी बाणों की कमी नहीं है। तुम्हें केवल अपने बाणों पर घमंड है योद्धा, किंतु मेरे पास बाणों के साथ साथ और भी शस्त्र हैं। तलवार उठाओ योद्धा, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारा अभिमान अभी तक टूटा है।
बहुत हुआ खेल, अब अपने इष्ट को सम्मान कर लो के रात, क्योंकि वैष्णव अस्त्र से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वस्त्र ने एक साधारण किरात का सम्मान किया, परंतु क्यों? ये मेरा नहीं, तुम्हारा अंत है कर्ण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.